PUBG मोबाइल के अंदर 3.0 का अपडेट आ चुका है। इस अपडेट को कैसे खेलना है, कैसे प्ले करना है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना और काफी ज्यादा अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन लोकेशन भी होने वाली इस वाली वीडियो के अंदर। और हाँ, ये जो अपडेट है ये BGMI के अंदर भी आने वाला है। BGMI के अंदर ये अपडेट कौन सी डेट को आएगा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को लिटरली काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं पहले समझाने वाला हूँ आपका 3 बार रिकॉल कैसे होते हैं, क्या सीन है, क्या सिस्टम है इसका, ठीक है। तो यार वीडियो को ध्यान से देखना यहाँ से। अब देखो, फर्स्ट टाइम मैं इरंगल में आया हूँ यहाँ पे, मतलब ये 3.0 में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लैंडिंग कर रहा हूँ, तू देखो यार ये फर्स्ट लाइफ तो मेरे को मिला हुआ है। अब देखो यहाँ पे फटाफट उतरते, ये हम रूम कार्ड में कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो देखो यहाँ पे मेरा टीममेट मतलब एनिमी आके यहाँ पे मेरे को एक बार किल कर चुका है। और यहाँ पर देखो मेरे पास कोई भी रिस्पॉन कार्ड नहीं है, आते ही मैं मर गया, मेरे पास कोई भी रिस्पॉन नहीं है। मतलब देखो बिना रिस्पॉन कार्ड के, जैसे आप लोग जाके कहीं पे भी मर जाते हो ना भाई यार, गटका पोचिंकी वगैरह अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार ये जो प्रिजन जैसा एक आइलैंड देखने को मिलता है ना भाई यार, वहां पे आप लोगों को फेंक दिया जाएगा। और यहाँ पर भाई यार काउंट डाउन शुरू होगा 9 मिनट से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9 मिनट से उल्टा काउंट डाउन शुरू हो रहा है। मतलब भाई इनका कहना बेसिक सा यही है कि इरंगल मैप के अंदर अगर आप लोगों के पास रिस्पॉन कार्ड नहीं है और आप लोग मर जाते हो 9 मिनट के अंदर अंदर, 9 मिनट छोड़ो, एक काम करो 8.5 मिनट, ठीक है, 8.5 मिनट के अंदर अंदर मर जाते हो, तो आप लोग है ना यहाँ पर ये जो आइलैंड है यहाँ पे छोड़ दिया जाओ। और यहाँ पे काफी सारे बंदे छोड़ दिए जाएंगे आप लोगों के साथ। और यहाँ पे 7 मिनट होते ही, ठीक है, 7 मिनट होते ही यहाँ पे ये ग्रीन कलर का फ्लेयर जलेगा और यहाँ से एग्जिट बाहर जाने का मतलब नॉर्मल इरंगल में जाने का रास्ता खुल जाए। अब देखो यार यहाँ पर है ना, फर्स्ट टाइम तो अपन खत्म हो चुके थे, सेकंड टाइम अपन यहाँ पर आ चुके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैप में ओपन करोगे तो भी यहाँ पे आप लोगों को ग्रीन कलर का एग्जिट मिलेगा। तो यहाँ पर आके आपको यहाँ पे ये बटन दबाना, बेक वाला बटन दबाते ही आप लोग कुछ टाइमर चलेगा ऊपर और आप लोग सडनली है ना भाई यार प्लेन में बैठा दिया जाओगे। और वहां पर जितना भी आप लोग लूट करोगे, एनिमी को किल करोगे, जितना भी लूट वगैरह लेके आओगे, तो वहां से जैसे इस जो आइलैंड है ना मतलब प्रिजन जैसा, वहां से मर के आओगे ना, तो वो लूट सारी की सारी आपके पास रहने वाली। तो देखो फर्स्ट टाइम तो मैं प्लेन में आया था स्टार्टिंग से स्पॉन आइलैंड से, सेकंड टाइम मैं ना यहाँ पे प्रिजन वाले आइलैंड से आ चुका, मतलब मेरा 2 लाइफ यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, मेरे पास रिस्पॉन कार्ड नहीं था। अब देखो थर्ड रिस्पॉन कार्ड है ना मेरे को यहाँ पर मिला, देखो यहाँ पे बैकपैक देख लो, यहाँ पे 13 मिनट का टाइमर दिखा रहा, मतलब यहाँ पे देखो मैं 3 बार यहाँ पे शायद मतलब 2 बार जिंदा हो चुका हूँ, 3री बार अभी जिंदा होने जा रहा हूं, ठीक है, मतलब 2 बार किल हो चुका हूं, अभी 3री बार किल हो रहा हूं मैं यहां पे, देखो 2 बार किल हो गया था, अभी ये 3री बार किल हो गया, अब मैं वापस आ रहा हूं यहां पर 3री बार। तो देखो जैसे ही आप लोगों के पास रिस्पॉन कार्ड रहेगा और भाई आप लोग मरोगे तो आपका लूट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, डिफॉल्ट गन जो स्कारल UMP या UG वगैरह दे दिया जाता है एक गन, वो गन आप लोगों के हाथ में रहेगी। देखो यार मैं 3 बार रिस्पॉन मतलब मेरे को 3 लाइफ मिल चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पर देखो अब अगर मैं मरता हूँ, ठीक है भाई यार, अब अगर मैं मरता हूँ ना तो मेरा यहाँ पर मैच फिनिश हो जाएगा। तो बेसिकली आप लोग ध्यान रखना, एक बार रिस्पॉन से आप वापस आ सकते हो और एक बार वो आइलैंड से, और एक बार तो आपको स्टार्टिंग में लाइफ मिलता ही। अब यार मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके मोड के अंदर क्या क्या पावर मिलने वाली है और रिस्पॉन कार्ड कितनी जगहों पे मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर मैं यासना के अंदर आ चुका हूँ, ये कोई यासना है ना, यहाँ पर कुछ इतना बड़ा सा ये मतलब ऊपर है ना व्हाइट देखने को मिलता है, जैसे अंदर जाओगे तब जो यासना का लोकेशन है वो बिल्डिंग है वो वगैरह देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखो ये जो बिल्डिंग वगैरह है ना, अगर आप लोग इन पे नॉर्मल कहीं पर भी उतरोगे, ठीक है, यहाँ पे अंदर देखो ऊपर मिनी मैप में ना वो रेड मार्क आ रहा है चारों तरफ, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर ना आप लोगों को पावर देखने को मिलेगी, एक तो शैडो ब्लेड है और एक भाई यार स्काई हुक है और भाई एक है भाई यार प्रोक्सी स्काउट डिवाइस है। अब यार इन तीनों का क्या यूज होने वाला है ना वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो शैडो ब्लेड और प्रोक्सी स्काउट डिवाइस तो मेरे को यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। और एक जो हुक वगैरह है ना भाई यार, जो मतलब रस्सी वगैरह फेंकने का कुछ रहता ना, उनका सही यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो है ना मेन जो चीज है ना मैं आपको बता देता हूँ, वो जो पावर है ना आप लोगों को तीनों के तीनों, वो कौन कौन सी लोकेशन पे देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख लो, यहाँ पे जैसे यासनाए पे आओगे या प्रिजन पे जाओगे, ये जो रेड सर्कल देखने को मिलेगा आप लोगों को, देखो इसके अंदर जैसे आप लोग एंट्री करोगे तो आपको रिस्पॉन कार्ड मिल जाएगा एक तो, और दूसरा जो है ना भाई यार यहाँ पे फुल लूट देखने को मिलेगी और जो न्यू बिल्डिंग टेक्सचर वगैरह वो भी देखने को मिलेगा इन्हीं लोकेशन पे, प्रिजन, जॉर्जो पुल और भाई यासनाया, और यहीं पे यहाँ पे तीनों पावर देखने को मिलेगी आप लोग, स्काइडर हुक और प्रोक्सी स्काउट डिवाइस और भाई यार यहाँ पर शैडो बुलेट, तीनों के तीनों। अब तीनों का पावर कैसे यूज करना मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ ये जो शैडो बुलेट है भाई, ठीक है, अब आप लोग एक बार इसको हाथ में ले लेते हो, ठीक है, और आपको मान लो कोई भी बंदा मारता है तो देखो सबसे पहले आपके जो है ना ये जैसे ही हाथ में पकड़ोगे तो यहाँ पे देखो शील्ड बनी आएगी आपके प्लेयर का, जो मुंडी है ना मुंडी के पास, इसका मतलब ये देखो ये शील्ड है ना, ये शील्ड का कवर करेगी, मतलब जो ये आपका हाथ में जो शैडो बुलेट है मतलब कोई भी एनिमी बुलेट फायर करेगा तो ये एक शील्ड चार्ज होता है। तो देखो यहाँ पे अभी चार्ज हो रहा है ये शील्ड, यहाँ पे रेड कलर का आ रहा है, तो देखो ये रेड कलर का आते आते ये देखो ये एकदम यहाँ पे फुल होने वाला है। और भाई यहाँ पे देख लो ये ऑलमोस्ट फुल हो गया, रेडी है ये, मतलब कवर करने के लिए रेडी है शील्ड, मतलब डाल, ठीक है, मतलब रेडी है।
तो जैसे ही भाई ये मतलब बंदा फायर करेगा ना बुलेट, तो ये बुलेट रोक लेगा, एक बुलेट एक फायर मतलब रोक लेगा, कुछ बुलेट आप लोगों को लगने से रोक लेगी। तो देखो यार जब तक है ना ये पूरे का पूरा डाउन नहीं होता ना जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मतलब शील्ड वाला, तब तक ये शील्ड कवर करता रहेगा, बुलेट रोकता रहेगा। जैसे ही ये गायब हुआ और मतलब ये चार्ज में गया ना तो एनिमी आपको मार सकता उस टाइम। तो आप क्या करो, जैसे ही एनिमी आपको मारे ना, जैसे ही आपका ये प्लेयर कवर करता रहे ना, तो आप एकदम वो डैश मार के स्पीड से जाने वाले पावर से ना एनिमी के ऊपर रश बोल दो, धब्बा बोल दो, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने बोला था, ठीक है। और इसका जो है ना मेन मतलब ये कि 13 मीटर या 14 मीटर दूर से ना अगर आप लोग जैसे ही मतलब ये शैडो बुलेट हाथ में ले फायर करोगे, मतलब फायर वाला बटन दबाओगे ना, तो इसके अंदर से तो कुछ देखो ये पावर निकल के जाएगी, मतलब जो ये सोर्ड है ना सोर्ड से पावर निकल के जाएगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो जाके, मतलब सीधा का सीधा मतलब है ना भाई यार वो मतलब लगेगा एनिमी को और उसको डैमेज भी होएगा अच्छा खासा। बाकी भाई यार आप लोग ना इसका ये जो स्लैश मारने वाली जो पावर है ना, इससे अगर आप लोग एकदम भाई यार स्पीड से जाके मारोगे ना बंदों को, भाई यार क्या ही नेक्स्ट लेवल खतरनाक डैमेज होने वाला है और उससे मतलब काफी ज्यादा डैमेज होएगा, तो ये मेक श्योर आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो भैया इसका काफी ज्यादा कूल मूवमेंट, मतलब जो चलने का स्टाइल है ना काफी ज्यादा कूल है। तो अब मैं आप लोगों ना यहाँ पे स्काई हेडर हुक के बारे में बता देता हूँ। स्काई हेडर हुक के मतलब दो यूज है, एक तो यूज यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आप लोग जैसे इसको इक्विप करोगे तो हाथ पे कुछ ऐसे आ जाएगा, और भैया इसका अगर यूज करना है तो आप लोग कहीं पे भी ऐसे जाके कुछ इससे 30 मीटर की रेंज पे आप लोग इसको मारोगे तो 30 मीटर में ना आप लोग काफी ज्यादा इजीली इसको मतलब फेंक के मतलब जा सकते हो एकदम, मतलब उसके ऊपर जैसे कि कोई भी बिल्डिंग के ऊपर क्लाइम करना हो कहीं पे भी हो जाना हो जा सकते हो 30 मीटर के एरिया में, मतलब 30 या 31 32 से ज्यादा नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ, ये सामने जो है ना भाई यार कंटेनर देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। और अगर आप लोग है ना इसको डबल क्लिक करके एकदम फास्ट फास्ट करोगे तो ये ग्लाइडर कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा, मतलब ग्लाइडर भी ओपन होएगा और 30 मीटर के एरिया में आप लोग ऐसे नॉर्मल उसके ऊपर जा भी सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो हुक फेंकने वाले पे डबल क्लिक करोगे तो ये ग्लाइडर आ जाएगा। कहने का बेसिक सा मतलब यही है, 2-in-1 है ये चीज, ठीक है। तो आप लोग इसको मतलब एज मतलब ग्लाइडर यूज कर सकते हो, एज मतलब आप लोग कहीं पे क्लाइम करने के लिए भी यूज कर सकते हो। बाकी आप लोग ऐसे मतलब ग्लाइडर तो काफी मतलब कूल है भाई यार, एकदम देखो एकदम मतलब काफी मतलब कतई सेटिस्फाई वाला सीन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रोक्सी स्काउट डिवाइस है भाई यार वो क्या काम आता है, उसका क्या यूज है। तो देखो यहाँ पे जैसे ग्रेनेड की जगह सेलेक्ट कर सकते हो आप लोग, जैसे इसको मतलब फेंकोगे तो आपका एक क्लोन बन जाएगा। यार आप लोगों को कैसे पता चलेगा ये मतलब जो है ना भैया कितने टाइम तक रहने वाला है और कितना इसका रेंज रहने वाला है, तो देखो आपका दो मतलब ऑप्शन दिख रहा होगा, एक तो मतलब बूस्ट वाला और एक वाईफाई वाला मेन स्क्रीन पे बीचों बीच जो मेरा क्रोशियर है, ठीक है। तो राइट साइड वाले में तो इसका टाइमर दिखा रहा है, मतलब कितने टाइम तक ये रहेगा, देखो धीरे धीरे मीटर कम हो रहा है। और लेफ्ट साइड जो वाईफाई वाला है ये इसका सिग्नल है, ये जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना ये रेंज से बाहर निकलेगा, और रेंज से बाहर निकलते ये नॉर्मल गायब हो जाएगा, और अगर इसका टाइमर फटेगा तो भी ये नॉर्मल गायब हो जाएगा, मतलब ये टाइमर वाला जो मीटर फटेगा ना तो भी ये गायब हो जाएगा और रेंज के बाहर जाओगे तो भी गायब हो। तो बस आप लोग क्या कर सकते हो यार इसको यूज करके है ना, आप लोग बस नॉर्मल कुछ नहीं कर सकते, एनिमीज का लोकेशन पता लगा सकते हो, बाकी तो ज्यादा कुछ यूजफुल नहीं है। मैं आपको एक और कूल चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो कोई भी घर के अंदर है ना, अगर आप लोग मतलब घर पे जाके चेक करोगे ना अंदर, तो यहाँ पे देखो एक मतलब गेट देखने को मिलेगा, ये आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप लोग इसके पास जाओगे तो ये ना मतलब गायब हो जाएगा और मतलब इसके अंदर एक डब्बा देखने को मिलेगा, तो डब्बा ओपन करते आपको रेंडमली कुछ भी लूट मिल सकती है, कुछ भी लूट मतलब भाई यार इसका इधर हुक वगैरह प्रोक्सी स्काउट डिवाइस या फिर आप लोगों को सोर्ड भी मिल सकते हैं या फिर कोई गन अच्छी खासी भी मिल सकती है, तो आप लोग ऐसे डब्बे जरूर ओपन करना। तो चलो यार मैं अब आप लोगों को कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूं। तो देखो यार जैसे आप लोग यहाँ पर इन बिल्डिंगों पे आ जाते हो ना, जो न्यू बिल्डिंग आई है 2-3 लोकेशन पे, तो यार यहाँ पे अगर आपको विजुअल नहीं मिलता तो इसका इधर हुक अगर आपको मिल जाता तो आप लोग यहाँ पर आके आसपास के जो भी बंदे फाइट ले रहे हो ना भैया काफी ज्यादा इजीली यहाँ रहकर ऊपर रहते रहते मतलब किल चुरा सकते हो और अच्छे खासे किल कर सकते हो, बस दूर वाले बंदों का ध्यान रख। तो यार जब भी कहीं ऊंची जगह से आप लोग नॉर्मल कूदते हो तो आपको काफी ज्यादा फॉल डैमेज देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना दो जिसकी मदद से आप लोगों को फॉल डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ से मैं कूदा मेरे को फॉल डैमेज हुआ, लेकिन अगर मान लो आप लोग ना इसे ऊंची जगह से वापस गिरते तो आप फटाफट शैडो बुलेट यूज करके उसके फास्ट वाली पावर यूज कर लेना, तो आप लोगों को ना यार फॉल डैमेज नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना जमीन से गिरने से पहले पहले यूज करना, ठीक है। और दूसरा आप लोग जैसे इसका इधर हुक भी यूज कर लोगे ना जमीन से गिरने से पहले पहले तो भी आपको फॉल डैमेज नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को एक कमाल की हिडन लोकेशन बताऊंगा यहाँ पर इस वाली लोकेशन के ऊपर, यहाँ पे देख लो जॉर्जो पुल के अंदर हो यार, अगर आप लोग एग्जैक्टली भाई यार ये वाली लोकेशन के ऊपर आओगे और आप लोगों को क्या करना होगा, जिधर मैं जाता हूँ ना वहां पर आप लोगों को चले जाना होगा। अब यहाँ पर आते ही ये विंडो देखने को मिलेगी 3, तो आप लोगों को ये नॉर्मल विंडो देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे इसके अंदर जाके जंप लगा के यहाँ पे प्रोन कर जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक हिडन लोकेशन देखने को मिलेगी, जो कि भाई यार किसी एनिमीज को पता नहीं। अगर आप लोगों को गन नहीं मिलते तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो और आसपास के ये जो घर है ना यहाँ पर अगर एनिमी आए तो आप लोग काफी इजीली उनको किल कर सकते हो, या फिर भाई यार आपके ऊपर पूरे का पूरा स्क्वाड रश मारे ना तो भी आप लोग यहाँ पर आके भाई यार काफी इजीली बच सकते हो। शैडो बुलेट की जो स्पेशल एबिलिटी है भाई यार, अगर आप
लोग है ना ऐसे कोई भी घरों पे स्प्रिंट लॉक करके जंप लगा के अगर उसको यूज करोगे तो आप लोग एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ना काफी ज्यादा इजीली ऐसे मतलब क्लाइंब कर सकते हो।